जय श्री राम। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन सूरी स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। आज हम बात करेंगे समुद्र के किनारे, समुद्र तट पर, समुद्र के करीब यदि आप रहते हैं तो बीच पर यदि आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। वैज्ञानिक मान चुके हैं कि ओम का उच्चारण करने से हमें अनेक रोगों से छुटकारा मिलता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ती है, हमारी कुंडलनी जागृत होती है। तो ओम का उच्चारण यदि आप समुद्र तट के पास करते हैं तो आपको बहुत अधिक वाइब्रेशन मिलेगी, बहुत अधिक शक्ति मिलेगी, बहुत अधिक लाभ मिलेगा। कारण यह है कि ओम का उच्चारण वहां करने से आपके शरीर से निकलने वाली वाइब्रेशन बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन खींच कर वापस ले आएगी, क्योंकि समुद्र तट के करीब पॉजिटिव वाइब्रेशन का भंडार रहता है और आपकी वाइब्रेशन वहां पर फैली हुई वाइब्रेशन को खींच कर लेकर आएगी। समुद्र तट पर जब आप घूम रहे होते हैं तो यदि आप पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं खींच पाते तो अपने आप पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको नहीं मिलती है, क्योंकि पानी के साथ आपका शरीर अर्थ हो जाता है और शरीर में आने वाली वाइब्रेशन अर्थ के द्वारा जमीन में चली जाती है। यानी हम पानी से भीगे होते हैं, इसलिए चाहे जूता चप्पल पहना हो फिर भी हमारा शरीर धरती के संपर्क में होता है और हमारे शरीर में पैदा होने वाली ऊर्जा जमीन में चली जाती है। परंतु जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो क्रिया ये रुक सा जाती है और जो वाइब्रेशन है वो कुंडली की तरफ अग्रसर हो जाती है और शरीर में एकत्रित होने लगती है। इसलिए यदि आप समुद्र के करीब ओम का उच्चारण करें तो आपको बहुत अधिक लाभ मिल सकता है, आप बहुत से रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ओम का उच्चारण करना कैसे है तो अब मैं आपको ओम का उच्चारण करके बताऊंगा। एक लंबा सांस अंदर खींच लीजिए और फिर बोलिए ओ। एक तरीका ये भी है ओ। इस प्रकार ओम का लंबा आपने स्वर निकालना है जिससे आपको वाइब्रेशन का भंडार मिलेगा और पॉजिटिव वाइब्रेशन के जो गुण होते हैं वो मैं अपने बहुत सारे वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि इससे आपकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। तो इसलिए आप समुद्र के तट पर, गंगा जी के तट पर, किसी नहर के तट पर, किसी दरिया के तट पर आप यदि उच्चारण करते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो आप मुझे इजाजत दें, यदि आपका कोई सवाल हो, आपकी कोई समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो उसकी फीस होती है जो हम गरीबों के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं, पेंशन वगैरह देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपसे एक निवेदन है कि इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन जब निकल आए, जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो उसको भी दबा दें। इससे आपका मेरे साथ एक रिश्ता बन जाएगा और मेरे वीडियो आपको मिलने लगेंगे। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।